जादुई गाय का दूध। विलासपुर गांव की ये बात है। इस गांव में रामू नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी कमला और दो बच्चे राजू और मीनू के साथ रहता था। बिरजू के पास दो गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना घर चलाता था। बिरजू भले ही कम कमाता था पर वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। रामू के बंगले में ही उसका छोटा भाई सज्जू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। सज्जू भी गाय का दूध बेचकर पैसे कमाता था पर सज्जू के पास ज्यादा गाय थी जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा पैसे कमाता था और ऐश आराम की जिंदगी जीता था। वह अपने भाई को एक पैसे की मदद नहीं करता था और इतने पैसे होने के बावजूद भी सज्जू लालची और झूठा था। एक दिन की बात है, रामू सचमुच बहुत बीमार हो गया और बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने इलाज के लिए रामू की पत्नी को रुपयों का इंतजाम करने को कहा। अब घर की सारी जिम्मेदारी कमला पर आ गई थी। वह रोज गायों को चरने ले जाती और उनका दूध निकाल कर बेचती और साथ ही साथ घर भी संभालती। दूसरे दिन सुबह कमला गायों को जंगल में घास चराने ले जाती है और उसमें से एक गाय चरते चरते कहीं चली जाती है। कमला का ध्यान पड़ते ही वह चिंता में आ जाती है। वह सब जगह गाय को ढूंढने लगती है, आवाज देकर बुलाती है पर उसे गाय कहीं नहीं मिलती। कमला सर पकड़ के बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे पास वैसे भी दो ही गाय थी और उसमें से एक खो गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी? कमला रोते हुए अपनी एक बची हुई गाय लेकर घर की ओर जाती है। तभी उसकी नजर छोटे से बछड़े पर पड़ती है। वह बहुत डरा हुआ होता है। कमला प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और उसे चारा खिलाती है और आसपास बछड़े की माँ को ढूंढती है। तभी बछड़े की माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चे को देखकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मेरे बछड़े का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। कमला गाय को बोलता हुआ देख हैरान हो जाती है और बोलती है, हैं, ये क्या, तुम बोल सकती हो? मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक सिद्ध साधु की सेवक थी और उसकी सेवा करती थी, पर पता नहीं अचानक मेरे मन में लालच कहाँ से जग गया। मैंने साधु महाराज के पास दान में आए हुए पैसे चुराने की कोशिश की और साधु महाराज ने क्रोधित होकर मुझे गाय बनने का श्राप दे दिया। तुमने मेरे बछड़े का ख्याल रखा है, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? भला तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मेरे पास जादुई शक्तियां है जिससे मैं जो चारा खाऊंगी और उससे जो दूध निकलेगा वो सोने में बदल जाएगा। कमला उस गाय और उसके बछड़े को अपने साथ अपने घर ले जाती है और पति रामू को सारी बात बताती है। ये सुनकर रामू बोलता है, तुम इस जादुई गाय को लेकर आई हो, ये हमें सोना देगी। इस बात से मैं इतना खुश नहीं हूँ जितना इस बात से हूँ कि तुमने एक बछड़े की मदद की। उसकी माँ की गैर हाजिरी में तुमने उसका ध्यान रखा। गाय हमारी माता होती है और हमें जब भी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। ये जादुई गाय मिलना ये तुम्हारे नेक कामों का फल है कमला। दूसरे दिन कमला गाय को चारा खिलाती है और उसका दूध निकालती है और वह देखती है कि दूध सच में सोने का था और इतना ही नहीं जमीन पर भी सोना ही सोना था। कमला ये सोना लेकर ज्वेलर के पास जाती है और उसे बेच कर पैसे लेकर आती है जिससे उसके पति का इलाज हो सके। इलाज होने के बाद रामू एकदम स्वस्थ हो जाता है। धीरे धीरे इस सोने को बेचने से जो पैसे मिलते हैं उससे रामू ने एक नया घर बनवाया और दूसरी गाय भी खरीदी। अब रामू के पास भी पैसा आ जाता है और वह अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाता है। लेकिन सज्जू को रामू के अचानक अमीर होने पर शक होता है। कल तक तो ये एक एक पैसे के लिए रोता रहता था और आज अचानक इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी सारी गाय और बच्चों को स्कूल भी भेज रहा है। ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा। जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना होगा। मैंने घर के अंदर तो सब देखा
वहां तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली, ना अलमारी में ना किसी दराज में। फिर राज क्या है? एक काम करता हूँ, आज पूरी रात रामू के घर के बाहर खड़ा रहता हूँ और नजर रखता हूँ कौन कहाँ जाता है और क्या करता है। उससे मुझे जरूर कुछ पता चल जाएगा। रात को बिरजू के घर के पास पेड़ के पीछे वह छुप जाता है। पूरी रात बीत जाती है लेकिन कुछ हलचल नहीं होती। दूसरी सुबह रोज की तरह कमला गाय को चारा खिलाती है और गाय फिर से दूध स्वरूप बहुत सारा सोना देती है। ये देखकर सज्जू की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे इस जादुई गाय का राज पता चल जाता है। अब उसके मन में लालच पैदा होता है और वो किसी भी तरह उस जादुई गाय को चुराने के बारे में सोचता है। दूसरी रात को सज्जू सबके सोने के बाद छुपके से रामू के घर के पास आता है और जादुई गाय को लेकर चला जाता है और अपने घर में बांध देता है। सुबह होते ही सज्जू गाय को बहुत सारा चारा खिलाता है और गाय सोना दे उसकी राह देखता है, पर गाय सोना नहीं देती। ये देखकर सज्जू बहुत गुस्सा होता है और लकड़ी से गाय को मारने लगता है। गाय दर्द के मारे वहां से भागती है और रामू के घर पहुंच जाती है। रामू और उसकी पत्नी कमला गाय की रक्षा करते हैं। रामू बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो सज्जू? गाय तो हमारी माता समान होती है और तुम इन्हें ही मार रहे हो। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें इतना सारा सोना मिला है ना, इसलिए तो तुम इसे बचाओगे। तुम्हें लालच जो आ गया है, पता नहीं तुमने इस पर ऐसा क्या जादू किया है। जब मैंने इसे चारा खिलाया तो इसने मुझे सोना दूध के रूप में क्यों नहीं दिया? तुम्हें तो ये सोना देती है, तुम मुझे क्यों नहीं दिया? इतने में वह गाय एक स्त्री का रूप ले लेती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वह स्त्री बोलती है, आज मैं अपने शाप से मुक्त हुई। दादू महाराज ने कहा था किसी और के लालच से ही मेरा ये शाप टूटेगा और सज्जू के सोने के लालच ने मेरा श्राप तोड़ दिया। और सज्जू, तुम्हें सोना इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसको सोना देना है किसको नहीं देना वो मेरी इच्छा है। कमला और रामू की नीयत अच्छी थी और तुम्हारी नीयत में लालच था, इसलिए तुम्हें सोना नहीं मिला। सज्जू सर पकड़ कर बैठ गया और वह स्त्री गायब हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच का परिणाम बुरा होता है। आखिर में हमें ये सीख भी मिलती है कि गाय हमारी माता समान होती है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो योयो हिंदी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और भी मजेदार स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।